तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस देखो, आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे ये तीसरा वीडियो है चेक रेन को लेके। जहाँ दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 100 MB में आप डाउनलोड कर सकते थे चेक रेन को, जिसमें आप कुछ iOS डिवाइस को जेलब्रेक कर सकते थे करीब 12 या 13 पॉइंट से लेके। लेकिन उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया, हालांकि अभी बनाया है, जिसमें दोस्तों एक नया आया है अपडेट, जिसमें मतलब आपको 400 MB की फाइल मिलती है। उसमें दोस्तों आप iOS वर्जन 13.4.1 तक जेलब्रेक कर सकते थे। लेकिन गाइस अभी एक नया अपडेट आ चुका है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 100 MB की फाइल है, कैसे उसे डाउनलोड करना है, कैसे उसे इंस्टॉल करना है, और कैसे आप 13.4.5 तक के iOS वर्जन को जेलब्रेक कर सकते हो। तो गाइस देर किस बात की है, चलो कर देते हैं वीडियो को शुरू। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा। गाइज मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, मतलब बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, बिकॉज गाइज मेरे पास जो माइक था मेरा ख़राब हो चुका है, एंड वेल अभी मैं मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो गाइज देखो, वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको कुछ फाइल मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों दो फाइल्स मिलेंगी, 32 बिट और 64 बिट। आपका कंप्यूटर कौन सा बिट है आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो गाइज मेरा 64 बिट है, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया। 113 MB की ये फाइल है। अभी आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसे, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप सिंपली कंप्यूटर में डालने के बाद यहाँ पे आपको USB लगाना होगा। USB को एकदम खाली कर लेना होगा। अगर आपने खाली नहीं किया है तो आपको इसे फॉर्मेट कर लेना होगा। फॉर्मेट करने के बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको वहीं पे आपको यह डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, जिसमें दोस्तों मैंने एक एरो टूल का नाम दिया हुआ है, मतलब उसे डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है। ये दोस्तों करीब ये भी 100 या 100-130 MB का होगा, इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका नाम है बलिना HR। तो गाइज ये हमारा मदद करेगा एक मतलब बूटेबल करने के लिए USB को, जिसे सिंपली हम यूज़ कर पाएंगे। गाइज मैं अपने मतलब कि आपको मैं इतना बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि गाइज ये कोई बड़े डिवाइसेस में ही चलेगा। आपके पास छोटा PC हो, बड़ा PC हो, कितना ही पुराना PC हो, चाहे अकबर के ज़माने वाला ही क्यों ना हो, चलेगा, उसमें भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस सिंपली यहाँ पे आज बूट मतलब चेक रेन यहाँ पे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया है। तो हमने यहाँ 64 बिट के लिए किया है, तो 64 बिट के लिए मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। अगर आपने 32 बिट के लिए किया है तो 32 बिट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली यार यहाँ पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ परमिशन मांगेगा। परमिशन के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपका जो यहाँ पे यार स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं है, एकदम यार 2 या 3 मिनट की ही वीडियो बन जाएगी। देखो गाइज एकदम लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अभी आपके यार कंप्यूटर की यार 64 बिट विंडो होनी चाहिए, ठीक है। वेल मेरे पास तो 64 बिट है, क्योंकि iOS वर्जन यहाँ पे जो 13.5 लेके है ना। तो गाइज यहाँ पे कुछ यार अलग से टूल लगते हैं जो कि 64-बिट विंडो पे ही काम किया जाता है, लेकिन आप जेल ब्रेक कर सकते हो या 32-बिट या 64-बिट से, ऐसा कोई बात नहीं है बड़ी वाली। एंड गाइस देख सकते हो हमारा जो अनमाउंट हो रहा है, मतलब कि अभी जो हमारा कुल मिला कि यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, एकदम अच्छे से हो गया है। अभी जो हमारी मतलब जो है ना USB ऐसा कुछ बन गया है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, डरने की बात नहीं है। आपको एक बार इसे निकाल देना है, मतलब USB को फिर लगा देना है इसको यार अपने PC पे ही, तो यहाँ पे फॉर्मेट कहा जाएगा। आपको सिंपली फॉर्मेट नहीं करना है, तो फॉर्मेट नहीं करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है बस अपने PC को रीस्टार्ट कर लेना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपको इसे BIOS ऑप्शन में जाना होगा। BIOS ऑप्शन में कैसे जाते हो आप लोगों को बताओगे, बिकॉज आपका PC या हर एक के PC पे लिखा होता है कि कैसे आप BIOS ऑप्शन में एंटर करोगे। तो गाइज मेरा तो पहला गाइज तो देख सकते हो अभी यार यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक किया। अभी मैं यार वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने डिवाइस से और ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, और यहाँ पे मैंने USB भी लगा के रखा है जो कि करीब है 8 GB का, MB कह रहा हूँ सॉरी। एंड यहाँ पे यार मैं डिलीट बटन को बार बार यहाँ पे प्रेस करूँगा, बिकॉज मेरा जो बूट मेन्यू है यहीं से ओपन होता है। आप यहाँ पे अपने USB को सिंपली बूट अप करवा सकते हो। तो गाइज देखो यार मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वैसे ही आपको करना होगा। वेल आपके PC का कुछ अलग होगा, मेरे PC का कुछ अलग है। मेरा PC काफ़ी पुराना है, और ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हर एक का नया हो। तो गाइज यहाँ पे मैं सिंपली अपने USB को UEFI पे बूट कर लूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू ग्रैब आ चुका है, मतलब बूट हो रहा है यहाँ पे यार। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ यूज़र्स होंगे यार यहाँ पे घबरा जाएंगे, गाइज ये क्या हो रहा है। गाइज घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब 1 या 30 सेकेंड लगेंगे, 15 सेकेंड लगेंगे, आपका PC यहाँ पे चालू हो जाएगा। ये देखो दोस्तों कोडिंग आई थोड़ी सी यार, और एकदम हमारा जो चेक रेन है 10.2 वर्जन यहाँ पे चल चुका है। अभी आप 13.5 तक इसे जेल ब्रेक कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो।